Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 12, continuation of third chapter, motion in a straight line. We will continue differentiation topic. अब तक जो हमने डिफरेंशिएशन किया था, फर्स्ट जो हमने डिफरेंशिएशन किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकेंड जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर लिया उसमें हमने मोशन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने किया था. अभी आज जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ये जनरल टर्म है, ये किसी भी चैप्टर से लिंक्ड हो सकता है. सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिफरेंशिएशन तो हम उसके साथ में इसको फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक आपको डिफरेंशिएशन के पैटर्न समझ में आ गए हैं. तो अब आपके लिए ना एक्सेप्ट करना थोड़ा आगे बहुत इजी होगा, सो उस हिसाब से हम कर लेते हैं, ठीक है. सो वैसे जो भी हम डिफरेंशिएशन में अभी कर रहे हैं ये इस चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, मतलब ये बाकी चैप्टर से भी लिंक्ड रहेगा, ठीक है. लाइक ना आपको और भी चैप्टर से जहां पर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है तो इनमें से कोई कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है. सो अब हम ना ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास एक टर्म है, हमने क्या ले लिया, यहां पर लिया वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स. आप ऐसे इमेजिन कर लो, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई के इक्वेशन में क्या होगा, x की वैल्यू होगी. तो अगर y फंक्शन ऑफ x है तो y को यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. तो अब जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसमें ऐसा ही होगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x होगा और हमको उस टर्म को x के रिस्पेक्ट में क्या करना, डिफरेंशिएट करना है. अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू ये c है, c इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, करेक्ट. तो इसका मतलब अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा ये dy by dx है, तो यहां पर लिखना है dy by dx है तो ये क्या हो गया, d by dx होगा, किसका डिफरेंशिएशन ले लो c का, ये क्या होगा जीरो. तो हर बार ना ये वैल्यूज को लिखना है, बट बाकी इक्वेशन में मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है. तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड में क्या होगा, अगर y का वैल्यू आपके पास है x रेस टू n, तो ये क्या होगा dy by dx. इट्स मीन दैट अगर मैं x रेस टू n का डिफरेंशिएशन लू तो उसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, जो पावर होगा फिर x पावर में डिक्रीज विद बाय 1, करेक्ट. अब थर्ड वन में क्या हो गया, हमने y की वैल्यू ले ली है. So, y का वैल्यू अगर आपको लेना तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, देन x रेस टू n है, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है dy by dx, तो क्या होता है कॉन्स्टेंट विल बी आउटसाइड, देन यू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, n x देन n माइनस 1, गॉट इट. सो अब ये ना एक कंडीशन हो गया. अब जो हम अगले इक्वेशन लेंगे ना वो थोड़े से डिफरेंट है, नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग्स, हमने उन चीजों को अब तक यूज नहीं किया, वैसे इन रूल्स को हमने पहले यूज किया हुआ है. So, अब जो हम डिस्कस करें वो नए रूल्स होंगे. तो ये थ्री, अब यहां पे ले लिया हमने फोर्थ वन में क्या है, अगर y की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल रेस टू x, तो अगर मैंने उसका डिफरेंशिएशन ले लिया dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x क्या होगा, इट विल रिमेन सेम, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज. तो अब आ जाओ फिफ्थ वन में क्या होगा, इन्होंने बोला y की वैल्यू अगर मैं log बेस टू e ऑफ x है, और अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन ले लिया dy by dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लॉग बेस टू ई का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है. अब हम ले लेते हैं 6-1 में क्या होगा, वाई की वैल्यू ये क्या है, ए रेस टू एक्स है, ए कैन बी एनी नंबर, कोई नंबर हो सकता है या कोई वैल्यू क्वांटिटी हो सकती है, रेस टू एक्स है. तो अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा dy by dx, तो वैल्यू क्या होगा, ये ए रेस टू एक्स को आपको लिखना है, देन लॉग बेस टू ई, और जो उसका बेस होगा ना उस बेस की वैल्यू को यहां पर लिख देना, गॉट इट. So, अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स पे. ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स पे अगर आप आ जाते हो तो सेवेंथ, ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स में ऐसा होगा कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, तो इन सबका हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कि क्या होगा, करेक्ट. सो बस आप एक चीज याद रखिएगा कि अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ना जो की पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर आपको एस दिखेगा, एस विल स्टैंड फॉर सेम, ठीक है, मतलब अगर प्लस साइन है तो प्लस लेना है, ठीक है, और अगर सी है तो सी विल स्टैंड फॉर चेंज. ऐसा कोई रूल नहीं है, ये जस्ट मैंने बता रहा हूं आपको समझ लीजिए. अगर वह प्लस साइन है तो बाद में चेंज होकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना. तो लाइक ना साइन में पहला लेटर आपका एस है तो सेम रहेगा, फिर सेक पहला लेटर एस है सेम रहेगा, कॉस पहला लेटर सी है तो सी फॉर चेंज, तो उसमें जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा. कोसेक पहला लेटर सी है तो डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगा. कॉट उसमें पहला लेटर सी है, डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो हम सेवेंथ पे आ जाते हैं, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इफ यू आर टेकिंग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है. साइन सेम, एस फॉर सेम, तो यहां पर साइन में चेंज नहीं होगा,
ठीक है। अब हमारा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट फॉर्मूला 8-1। अभी 8-1 फॉर्मूला क्या है कि आप ले लो cos के लिए, तो अगर y का वैल्यू इज व्हाट, cos x, y का वैल्यू इज cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो देखो cos है ना c है, c से मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा साइन x हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं 9-1 हम ले लेते हैं 10, सो y का वैल्यू अगर आपके पास है 10x, ठीक है, तो ये क्या होगा dy by dx। देखो आप यहां पे कंफ्यूज हो, साइन प्लस होगा माइनस होगा, तो वैसे 10x होता है साइन x अपॉन कॉस x, तो न्यूमरेटर में साइन है ना, तो वो पॉजिटिव ले लेना यहां पे, देखो आप प्लस होगा, इसका क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन से स्क्वायर x होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 10th पे, 10 क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हमने ले लिया, यहां ले लिया cot x, तो ये क्या होगा dy by dx, तो अभी cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये cot है ना, तो c आ गया पहला लेटर, तो ये क्या होगा माइनस, और cot x का क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 11th में क्या होगा, 11th में आप ले लो y का वैल्यू से ले लो से, तो y का वैल्यू का से x है, तो क्या होगा ये dy by dx का वैल्यू क्या होगा, तो ये s फोर सेम होगा ना, फर्स्ट लेटर s हो गया, तो सेम, तो ये क्या होगा प्लस साइन आएगा, तो क्या होगा sec x होगा इनटू क्या होगा ये 10x हो गया, गॉट इट। अब लेते हैं 12th क्या होगा, अगर y की वैल्यू है cosec x, y की वैल्यू अगर cosec x है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसको आप ले लो dy by dx, गॉट इट, तो ये c है तो माइनस आ जाएगा, क्या होगा ये cosec x इनटू क्या हो जाएगा ये cot x हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बेसिकली जो ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वैसे भी sec cosec तो बहुत इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, बट sin cos tan cot इनकी यूजेज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और बाकी वो जो टर्म्स है उनको यूज कर सकते हैं हम। तो अब यहां पे ना कुछ रूल्स है, देख लेते हैं रूल्स है, जो एक रूल है जिसको बोलते हैं ना प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल मतलब दो क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है। अच्छा प्रोडक्ट रूल के पहले ना एक और है जो की पॉइंट आपको याद रखना है, यू एंड वी आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, यू एंड वी आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, ये पॉइंट को याद रखना, ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स मतलब u और v की वैल्यू पे x पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर इनका फॉर्मूला आप लॉगरिथम की वैल्यू u, तो u विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ x, v विल बी आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ x, और y की वैल्यू ऑलरेडी x के टर्म में रहेगा, या अगर नहीं रहेगा तो कैसा होगा, इक्वेशन देख लो यहां पे, ये बोल रहे हैं y इज इक्वल टू क्या है u इनटू v, तो y का वैल्यू x के टर्म में तो नहीं है, बट y का फंक्शन ऑफ x, कैसे u का वैल्यू x के टर्म में, v का वैल्यू भी x के टर्म में, तो ओवरऑल y डिपेंड्स ऑन x ओनली, तो ये होगा प्रोडक्ट रूल। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका होगा ना ये हो गया फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू का, तो इस रूल में अगर आप ना dy by dx लेते हो, है ना, ये रूल है प्रोडक्ट रूल, तो क्या है क्राइटेरिया, जो पहला क्वांटिटी ना फर्स्ट क्वांटिटी या जो फर्स्ट वैल्यू दैट विल एक्ट एज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, u एंड v आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा पहले वो कैसा काम करेगा, कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे u डिफरेंशिएट v, तो dvy क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा, ठीक है। इस रूल के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब क्या होगा यहां पे आएगा आपको प्लस साइन है, ठीक है, अब तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट हो चुका है, तो अब क्या होगा सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, तो v कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएट किसको करोगे आप, यू को डिफरेंशिएट करोगे, मतलब सेकंड फंक्शन कांस्टेंट है और फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, यू वी रूल और प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट होगा सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, अब फिर सेकंड फंक्शन कांस्टेंट होगा फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके बाद कोशेंट रूल, ठीक है, तो कोशेंट रूल में क्या होगा कि आपको डिवीजन के पैटर्न को फॉलो करना है, तो लाइक अगर आपके पास ये y है और ये क्या होगा u अपॉन v है, करेक्ट, तो क्राइटेरिया वही होगा कि हमें अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx हो गया ये, तो रूल क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी ना u इज अगेन फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, तो पहले क्या करना, जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको आप कांस्टेंट ले लो, तो क्या करोगे आप न्यूमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, इज दैट क्लियर, फिर क्या करना आपको माइनस साइन लेना, अब क्या होगा न्यूमिनेटर फंक्शन को कांस्टेंट ले लो और जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, गॉट इट, अपॉन क्या होगा जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये रूल्स है, इसको भी कैसे यूज करेंगे आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब एक और होता है चेन रूल, ठीक है, वैसे चेन रूल तो आपने नॉर्मली हमने कई बार अप्लाई किया हुआ है बट हमें हमने इतना रियलाइज नहीं किया कि वो चेन रूल ही है, ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है कि
कि अगर आपके पास y है और यहां पे कोई क्वांटिटी u है ना, और इसका पावर क्या है n है, एज आई सेड u इज द फंक्शन ऑफ x है ना, तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा dy by dx। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ना इसका जो नॉर्मल रूल होगा मतलब n होगा फिर u होगा n माइनस वन होगा, ठीक है, फिर बाद में क्या करना है जो u क्वांटिटी ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करो du by dx। तो एक्चुअल मैंने ये रूल कई जगहों में यूज किया हुआ है नॉर्मल, अगर मान लो ये एक्स होता तो भी ना चेन रूल थोड़ा तो फॉलो होता, उसके वजह से भी वो वैल्यू क्या होता है ये फाइनली क्या हो जाता है वन हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी यहां पे देख लो कि अगर मान लो मैंने यहां पे कंसीडर किया चेन रूल का क्राइटेरिया सिंपल सा है कि वाई का वैल्यू एक्स रेस टू एन है, तो मैंने कहा ये वैल्यू रखा फिर इनटू क्या होगा डी एक्स बाय डी एक्स है ना, ये टर्म से जो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है एक्स को उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू क्या होता है वन में टर्न हो जाता है। बट अगर मान लो ये वैल्यू एक्स नहीं होता, ये वैल्यू एक्स नहीं होता, इट वॉज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप क्या करते तब वैसे लिखते, जैसे अभी यहां पे एक्स की वजह पे क्या है हमारे पास यू है, बट यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप यू को क्या करते हो पहले तो ये फॉर्मूले से आपने डिफरेंशिएट किया है ना, जो भी है नॉर्मल फॉर्मूला वाला डिफरेंशिएशन, फिर बाद में क्या होगा यू टर्म को फिर से आप डिफरेंशिएट करते हो, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से इन रूल्स को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू यूज और वी आर गोइंग टू सॉल्व मेथड बेस्ड ऑन दीज थ्री फॉर्मूले, ठीक है। सो ये बेसिक रूल्स है, इनको अगर समझ गए तो आप डिफरेंशिएशन किसी भी कंडीशन के लिए कर सकते हो। सो यू कैन सी थ्री क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन से जो रूल्स हमने राइट साइड में मेंशन किया है। सो यहां पर आप देख सकते हो ये एक क्वांटिटी है इनटू सेकेंड क्वांटिटी, तो ये प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड होगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो ये किस पे बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा आपका कोशेंट रूल पे और ये चेन रूल पे बेस्ड होगा। तो देख लेते हैं कि ये चीजें कैसे सिंप्लीफाई करना है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल के लिए, मतलब फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन को। तो सबसे पहले क्या होता है, इस क्वांटिटी को आप अज्यूम करो कि लेट वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट दिस थ्री एक्स रेज टू टू प्लस सेवन इन टू सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्राइटेरिया सिंपल सा है डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली भी आपको डिफरेंशिएट, यू कैन सी ना यू है वो एक्स पे डिपेंड है, वी भी एक्स पे डिपेंड है एंड वाई डिपेंड्स ऑन एक्स फाइनली इफ यू कैन सी। सो ये हो गया डीवाई डी एक्स। देखो ये चीजें ना बदल सकती है वो डिपेंडिंग ऑन कि आप ना क्या यूज कर रहे हो कैसे यूज कर रहे हो, ये प्रॉपर मैथमेटिक्स में तो या मैं बेसिक रूल्स के हिसाब से, मतलब मैथ्स में भी ये है क्वेश्चन बट ये बहुत बेसिक लेवल के हो गए, हमें जस्ट डिफरेंशिएशन समझना है कि कितने रूल्स होते हैं और किस तरह से हम रूल को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये रूल के हिसाब से ये यू हो गया और ये वी हो गया, तो रूल बहुत सिंपल सा था कि पहली क्वांटिटी को आप कॉन्स्टेंट ले लो जो फर्स्ट फंक्शन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, तो यू को हमने क्या ले लिया कॉन्स्टेंट ले लिया। अब क्या करोगे, अब वी को डिफरेंशिएट करोगे तो वी क्या हो गया सिक्स एक्स प्लस थ्री हो गया अपॉन क्या हो जाएगा ये बाई डी एक्स, करेक्ट डी बाई डी एक्स सिक्स एक्स प्लस थ्री का, फिर क्या हमने लिया था प्लस एन लिया था। अब क्या होगा, तो सेकेंड फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट इधर बिहेव करेगा तो सिक्स एक्स प्लस थ्री फिर बिहेव एज अ कॉन्स्टेंट इन टू क्या हो जाएगा ये वैल्यू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका भी डिफरेंशिएशन तो वो हो गया फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज व्हाट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू। अब यहां पे देख लेते हैं ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन विल रिमेन इन दैट वे, करेक्ट। इसका अगर डिफरेंशिएशन लेना है तो नॉर्मल रूल वाला ही पैटर्न फॉलो करोगे, सिक्स का कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इट विल बी सिक्स एंड व्हाट्स द एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स दैट विल बी वन, ये फाइनली क्या हो जाएगा इट विल बी सिक्स प्लस क्या है ये जीरो हो जाएगा थ्री का डिफरेंशिएशन प्लस यहां पे क्या होगा जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू है कॉन्स्टेंट टू इट विल रिमेन इन दैट वे ओनली, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री इज कॉन्स्टेंट वैल्यू करेक्ट और ये क्या हो गया टू एक्स, इट्स टू एक्स उसका पावर क्या होगा वन हो जाएगा देन प्लस सेवन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, गॉट इट। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो गया थ्री एक्स रेज टू टू प्लस सेवन इंटू क्या हो गया ये सिक्स हो गया प्लस यहां पे क्या हो गया ये हो गया सिक्स एक्स प्लस थ्री हो गया इंटू ये क्या हो गया थ्री टू जा सिक्स तो ये क्या हो गया सिक्स एक्स हो गया, गॉट इट। तो ये तो इनको ब्रैकेट में रख लो बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स में मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी सिक्स थ्री जा एटीन सो इट्स एटीन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स सेवन जा फोर्टी टू प्लस अब क्या करना है सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स करेक्ट ना
36x square plus 63 सा 18, ये क्या हो गया 18x हो गया, got it? तो अभी देख लेते हैं 18x square plus 36x square, तो कितना हो जाएगा 54x square और 18x यहां पे आ गया, ये 18x plus क्या हो गया ये 42, तो this is the final answer. So it's not that complicated. इसको हम u into v rule भी बोल सकते हैं और product rule भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो कोई भी दो क्वांटिटी से अगर उनको product rule से find out करना तो you can apply this method, ठीक है. अब जो अगला method है quotient rule, second वाला question, तो उसके हिसाब से भी देख लेते हैं. तो quotient rule के लिए तो space की requirement है हमको, हाँ फिर भी देख लेते हैं क्या करना. तो second rule में आप imagine कर लो let y का value क्या है, तो आपने ले लिया let y is equal to क्या है हमारे पास x square plus 1, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर अस, फिर क्या होगा x माइनस 2. तो एक रूल के हिसाब से ये u हो गया और ये v हो गया. तो अगर आप क्वेश्चन रूल देखोगे तो है ना, पहले क्या करना हमें, डिनोमिनेटर को पहले हम कांस्टेंट लेंगे, फिर न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, फिर न्यूमिनेटर को कांस्टेंट लेंगे, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रेज टू 2. तो देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा. देयरफॉर अगर आपने लिखा यहां पे dy / dx, करेक्ट, तो अब क्या होगा, v डिनोमिनेटर को हमें कांस्टेंट लेना है, तो किसको कांस्टेंट लेना है, x माइनस 2 को कांस्टेंट लिया, डिफरेंशिएट किसको करोगे आप, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे dy dx ऑफ व्हाट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन लेना है. अब क्या करोगे आप, न्यूमिनेटर को कांस्टेंट रखोगे, दैट इज व्हाट x रेज टू 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे हम dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब जो नॉर्मल पैटर्न उसको फॉलो करते हैं हम, तो यहां पे क्या होगा x माइनस 2 का रिमेनिंग दैट वे, व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो अभी x रेज टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू 2 का ये होगा 2x हो गया ना, उसका पावर रिड्यूस होगा 1 से, तो दैट विल बी 1 ओनली, और ये क्या होगा ये प्लस 0 हो गया. अगर ये प्लस 0 वगैरह नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, बट क्या हम फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं u अपॉन v रूल और क्वेश्चन रूल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन दिस वे. तो ये क्या हो गया, ये x रेज टू 2 प्लस 1 हो गया. अब अगर यहां पे करोगे इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या होगा, वो 1 ही रहेगा, करेक्ट, और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन. अगर डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये तो होगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x मतलब 4x हो जाएगा, द 2ab माइनस 4x प्लस क्या हो गया ये 4 हो गया. कैंसिलेशन वगैरह करना है तो अगर हो रहा होगा तो कर सकते हो, नहीं हो रहा होगा तो कोई इशू नहीं है. तो अभी क्या हो गया वैल्यू इन टू 2x माइनस, यहां पे ब्रैकेट में क्या होगा x रेज टू 2 प्लस 1 इन टू, ये क्या हो गया 1 हो गया अपॉन, क्या मिला हमको x रेज टू 2 माइनस 4x प्लस 4. चलो अभी देख लेते हैं 2x विल मल्टीप्लाई विद दिस क्वांटिटी तो क्या होगा, 2x विल मल्टीप्लाई विद x तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 विल मल्टीप्लाई विद 2x तो क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है. अब ये क्या होगा, ये माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, अच्छा चलो ठीक है, माइनस को बाद में देख लेते हैं, पहले इन क्वांटिटीज को देख लेते हैं, है ना, ब्रैकेट में ये 1x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा माइनस का, 1x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये x स्क्वायर होगा, ये प्लस 1 होगा वैसे ही, ठीक है, अपॉन क्या होगा ये x रेज टू 2 माइनस 4x प्लस क्या हो गया 4 हो गया. अब नॉर्मल टर्म में इसको आप ट्रीट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया 2x रेज टू 2 हो गया माइनस 4x हो गया, फिर क्या होगा माइनस x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 1 हो गया अपॉन व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हो गया x रेज टू 2 माइनस 4x प्लस क्या हो गया ये 4 हो गया. लेट्स सी माइनस x स्क्वायर और 2x स्क्वायर तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन फॉर द कोशेंट रूल. वैसे अब यहां पर अगर डिफरेंशिएशन ये डिनोमिनेटर वैल्यूज को सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो भी चल जाता था, ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी कंपल्सरी कि आपको ना इसको सिंप्लीफाई करना है, आप नहीं भी करते तो भी चल जाता, बट अगर मान लो कोई वैल्यूज वगैरह है तो उस टाइम पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, बट अदरवाइज देयर इज नो नीड. सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन चेन रूल पे. थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेन रूल. देख लेते हैं चेन रूल का जो क्राइटेरिया, आप देख लो कि अगर यहां पे x रेज टू n होता, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि अगर x रेज टू n होता और उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे होते तो हम एक्चुअली फॉलो तो चेन रूल वहां पर भी कर ही लेते हैं. डायरेक्टली रखिएगा आप देखो, तो ये क्या होगा n होगा पावर की वैल्यू और फिर पावर मल्टीप्लाई होगा x रेज टू, अब पावर क्या होगा 1 से रिड्यूस होगा,
ठीक है, और ये जो x है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो हमको क्या मिलता है x रेस टू सॉरी n इंटू x रेस टू n माइनस 1। मगर मान लो कि अगर ये x नहीं होता तो क्या होता है यहां पे, लाइक यहां पे इन्होंने u लिया तो क्या du by dx होता, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है कि जिसका आप पावर ले रहे हो उसके अलावा वाली वैल्यूज को भी क्या करना, फिर से आपको मतलब पावर के हिसाब से तो सिंप्लीफाई करते ही हो, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर वो सेम फंक्शन होता है ना जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी से रिलेटेड फंक्शन है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन में देख लो क्या करना पड़ेगा हमको। तो थर्ड वन में हमने क्या किया, हम अज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या वैल्यू हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 4x रेस टू 2 माइनस 7। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले बेटर होगा कि अगर मैं इसको ना पार के टर्म में कन्वर्ट कर लूं, तो रूट का मतलब क्या होता है, रेस टू पार माइनस रेस टू पार 1 बाई 2 है ना, रूट का मतलब हो गया रेस टू पार 1 बाई 2। सो अब इसको डिफरेंशिएट करो तो देयरफॉर dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन 4x रेस टू 2 माइनस 7 रेस टू 1 बाई 2 का, तो एक हिसाब से देखा जाता है ये यू रेस टू एनी हो गया। सो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कंसिडर कर रहे हो तो अभी क्या क्राइटेरिया है, पहले तो जो पावर होगा उसको लिखो आप, ठीक है। अब जो वैल्यू है क्या है, 4x रेस टू 2 माइनस 7, अब जो पावर की वैल्यू क्या होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा इनटू ये वैल्यू आपका यू है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 4x रेस टू 2 माइनस 7 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये वैल्यू क्या होगा, ये आपका होगा 1 बाई 2 वैल्यू हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4x रेस टू 2 माइनस क्या होगा 7 हो गया, रेस टू माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, हाफ माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अब मैं यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं, ये 4 होगा ना, 4 होगा, 4 क्या होगा फिर ये 2x होगा ना, 4 इंटू 2x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8x, और ये क्या होगा माइनस 0 हो गया। तो अब अगर बहुत डीपली अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये माइनस इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, ये 1 बाई 2 हो गया इंटू ये 8x होगा, करेक्ट ना, और ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो क्या होगा 4x रेस टू 2 माइनस 7 रेस टू क्या होगा ये 1 बाई 2 हो गया, ये कैंसिल होगा कितना होगा वैल्यू 4x हो गया। तो अभी उसको और देखते हैं ध्यान से, 4x विल बी 4x बट ये क्या रेस टू 1 बाई 2 है, तो इसका मतलब होगा रूट में आ जाएगा, तो 4x रेस टू 2 माइनस क्या हो गया 7 हो गया, गॉट इट। एक और चीज आप देख लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर y का वैल्यू मान लो रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर ले रहे तो ये क्या होगा 1 ये x रेस टू 1 बाई 2 हो गया, करेक्ट, तो ये क्या होगा डिफरेंशिएट अगर आप इसको करोगे तो dy बाई dx क्या होगा 1 बाई 2 हो गया x रेस टू 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 1 बाई 2 हो गया x रेस टू माइनस 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 हो गया, x को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, ठीक है, ये 1 बाई 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट x हो गया, तो एक्चुअल में 1 अपॉन 2 रूट x विल बी द आंसर, इज दैट क्लियर। अब अगर यही फॉर्मूला आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये क्वेश्चन डिफरेंट इन द सेंस, मान लो अगर आपका ये क्वेश्चन होता 1 अपॉन रूट x होता तो क्या फर्क पड़ता, 1 अपॉन रूट x के लिए भी देख लेते हैं। सो अगर ये फॉर्मूला 1 अपॉन रूट x होता और ये x है तो क्या होगा, इसके आगे भी चेन रूल बनेगा dx by dx चेन रूल के हिसाब से, पर वो वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसको इतना इंफेसाइज करने की जरूरत है। तो y का वैल्यू अगर 1 अपॉन रूट x होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन x रेस टू 1 बाई 2 लिखेंगे, विच कैन बी x रेस टू पार माइनस 1 बाई 2, फिर अब डिफरेंशिएट करो dy by dx, एक होगा dy dx, एक होगा x रेस टू पार माइनस 1 बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 बाई 2 इसका हो गया, ठीक है, पार की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई ना आपने, x रेस टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, फिर वापस x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 1 ही हो जाएगा, ठीक होगा माइनस 1 बाई 2 हो गया, ये x हो गया, क्या हो गया पावर माइनस 3 बाई 2 हो गया। अब इसको हमें क्या करना, प्लस में लेना पड़ेगा, ये माइनस 1 बाई 2 है, ये माइनस को कुछ कर नहीं सकते आप, 1 अपॉन x रेस टू पावर प्लस 3 बाई 2 है ना, तो ये अच्छा। अभी एक चीज है कि अगर x रेस टू 3 बाई 2 है इसका मतलब क्या होता है, x को आप 3 टाइम क्या करोगे उसका क्यूब लोगे, फिर वो पूरी वैल्यू का क्या लोगे आप, ये रेस टू 1 बाई 2 है, मतलब क्या होगा पूरे का फिर रूट बराबर, तो पूरे का रूट लोगे तो ये x हो गया इंटू x हो गया इंटू x हो गया, मतलब क्या हो जाएगा ये x बाहर आ जाएगा रूट x, मतलब x रेस टू 3 बाई 2 को मैं x रूट x लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस हो गया
ये वन अपॉन हो गया, ये टू हो गया, तो क्या हो गया टू एक्स रूट एक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर दिस वन. सो वॉट एवर वी डिस्कस अप टिल नाउ दैट वॉज बेस्ड ऑन एक्स एंड ऑल, दैट वॉज अ नॉर्मल इक्वेशन. सो वील सी की ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड अगर क्वेश्चन होंगे तो उनमें कैसे हम अप्लाई करेंगे. तो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है. तो एज आई सेड कि हमने इसको पहले अज्यूम करना है वाई, तो हम ले लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट डी वाई बाय डी एक्स. चलो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, ये क्या हो गया कॉस हो गया, ये हो गया ए एक्स रेज टू टू प्लस क्या हो गया बी हो गया, ठीक है. ये ना एक्चुअल में एग्जाम्पल देखा जाए तो ब्रिटिली इट्स अ काइंड ऑफ चेन रूल ओनली. सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको डिफरेंशिएशन का जो मेन टर्म तो यहां पे है, लेकिन उसके पहले ना आपके पास ऑपरेटर है कॉस. तो सबसे पहले आप ना कॉस का डिफरेंशिएशन लोगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन जो उसका ये होगा, जिसके जो उसका एंगल का वैल्यू होगा उसको आपको वैसे लिखना पड़ेगा. ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना. तो जैसे हमने पावर लिया था ना रूट वाला, अगर आपको याद होगा इसके पहले रूट लिया था हमने फोर एक्स रेज टू टू प्लस सेवन समथिंग लाइक दैट. सो ये जो रूट की वैल्यू है ये क्या होता है वन बाय टू होता था. तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर भी ये वैल्यू इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया. वैसे क्या है कि हमने ना कॉस का डिफरेंशिएशन लिया है, बट जो हमारा मेन टर्म हो गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं लिया है. तो ये कॉस का डिफरेंशिएशन के बाद क्या है, आप एक्चुअल में इसके वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे ए एक्स रेज टू टू प्लस बी, ठीक है. एक हिसाब से ये चेन रूल होगा, अगर कॉस है तो सबसे पहले कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करो, पूरी वैल्यूज वैसे लिखो ना, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया माइनस साइन के साथ में, अब क्या करना इसका डिफरेंशिएशन लोगे. तो ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये साइन हो गया, ये क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी हो गया. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ए है और ये क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू होगा, ये टू एक्स हो जाएगा. बी इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमको पता नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं किया कि बी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, बराबर, तो वो जीरो हो गया. तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये माइनस हो गया, ये साइन हो गया, ये क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी हो गया, एंड व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, ये टू ए एक्स हो जाएगा. तो अब पूरी वैल्यू इसको, क्योंकि ना इसके आगे लिखोगे तो इट विल सीम्स लाइक द एंगल ऑफ द साइन, तो इसके लिए टू ए एक्स को आप पहले ले लो, तो क्या होगा माइनस टू ए एक्स हो गया, ये हो गया साइन हो गया, ये हो जाएगा ए एक्स रेज टू टू प्लस बी, ठीक है. इसके साथ में मुझे एक बात याद आ गई है कि मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इससे लिंक नहीं, ये मैं अभी से क्वेश्चन दे रहा हूं. क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको दिया ना यहां पे x दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहां पे a है, साइन है, ओमेगा t है, प्लस क्या है ये kx एक्स है, के एक्स में फिर ये के वाई हो जाएगा वो हिसाब से अगर देखे तो. अभी ये क्या कह रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी हो गया, बराबर. ये ए है, साइन है, ओमेगा टी है, प्लस क्या है ये के वाई है, ठीक है, डबल ये ब्रैकेट. तो सबसे पहले क्या होता है कि ना आप यहां पे ये जो ये है ना आपको टाइम को डिफरेंशिएट करना है, तो टाइम कहां पे है, टाइम यहां पे है, ये पर्टिकुलर वैल्यू टाइम, मतलब यहां पे ऐसा वाला, ठीक है. देखो उसके बाद क्या है साइन है, तो पहले मैं इस ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करूंगा, बट उससे पहले क्या है कि ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो ये कैसा काम करेगा सी इंटू एक्स रेस टू एन बचा जो भी होगा. पहले आप कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाला, आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, अब जो वैल्यूज है तो डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वॉट, ये क्या है साइन है, करेक्ट, क्या मिलेगा आपको ओमेगा टी मिलेगा, प्लस क्या होगा ये के वाई ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट. मैं यहां पर ऊपर की तरफ सॉल्व करते चलता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास अभी फिलहाल, ठीक है. तो सी की वैल्यू, ये सी का मतलब ये ए हो गया ना, ए ए की वैल्यू को हमने वैसे ही रखा, तो भाई सेम क्राइटेरिया है कि जैसे आप साइन का डेरिवेटिव ले रहे हो ना, साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस होगा, कॉस ये पूरा जो ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसे रहेगा, क्या होगा ओमेगा टी प्लस क्या होगा ये के वाई होगा. फिर से डिफरेंशिएट करना है कौन सा टर्म को, इस टर्म को, एक होगा डी बाई डी टी, किसका डिफरेंशिएशन ओमेगा टी प्लस क्या होगा ये के वाई हो गया, ठीक है. अब ये क्या होगा इक्वल टू ये ए हो गया, दिस द कॉस एंड व्हाट ओमेगा टी प्लस क्या होगा ये के वाई हो गया, गॉट इट. जब आप इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टी है ना, तो टी है तो ये क्या होगा ओमेगा विल एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट, तो डी बाई डी टी मतलब टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, फिर प्लस
ये जो k है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो नॉट फंक्शन ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या हो गया फाइनली, ये जो ओमेगा है ये पहले आ जाएगा, तो होगा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस के वाई। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं, वेव चैप्टर है एक ऑसिलेशन एंड वेव, उन चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कि क्या करना है हमको। सेकेंड क्वेश्चन में है tan रेज टू 3 ऑफ x, सो ये भी है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही है, सो देख लेते हैं कि चीजें हमें मिलती है या नहीं मिलती है। सो व्हेन वी आर गोइंग अहेड देन क्राइटेरिया इज, चलो तो हमने इमेजिन कर लिया लेट, अभी ना सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या होगा लेट y इज इक्वल टू क्या हो गया tan रेज टू 3 ऑफ x, तो अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो dy बाई dx, करेक्ट, तो ये क्या होगा d बाई dx, आपने क्या tan रेज टू 3 x ले लिया, तो सबसे पहले क्या होगा वो x रेज टू n जैसा ही काम कर रहा है एक हिसाब से, अगर आप देखो यहां पे 3 होगा, करेक्ट है ना, यही होगा, फिर ये क्या होगा tan हो गया, उसका पावर क्या होगा 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया ना, तो क्या tan रेज टू 2 ऑफ x हो गया, करेक्ट, इनटू आपका एक्चुअल टर्म में आपको tan x को डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, बराबर। तो अब उस हिसाब से कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 का वैल्यू इज 3, ये क्या होगा tan स्क्वायर x हो गया, tan x का डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशिएशन, आप देखो जो लिस्ट में मैंने बताया था, तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो अभी जो फाइनल आंसर है क्या है 3, ये तो वैसे यहां पर लिखा लिख गया है, तो कोई इशू ही नहीं है इस केस में। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है बट डिफरेंशिएट करना हमको इसको, सो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म में है तो मतलब कोशेंट रूल है अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले तो हम इमेजिन करेंगे एज वी आर इमेजिनिंग इन ऑल केस, सो हमने क्या इमेजिन किया, लेट वाई इज इक्वल टू क्या होगा ये साइन एक्स होगा, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन क्या होगा ये 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, गॉट इट। सो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dy by dx, तो ये क्या हो जाएगा d by dx हो गया, ये क्या हो गया साइन x हो गया अपॉन क्या हो गया 1 प्लस कॉस x हो गया, ये गॉट इट। तो u इंटू v रूल के हिसाब से क्या क्राइटेरिया, आपको सिंपल सा है कि पहले डिनोमिनेटर को आप एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करो, तो 1 प्लस कॉस x हो गया, ठीक है। अच्छा क्राइटेरिया वही होना चाहिए, बोथ शुड बी द फंक्शन ऑफ x जिसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये आपने लिया यहां पे नंबर है तो आप उसको यू एंड वी रूल से सिंप्लीफाई करोगे, मतलब नहीं है उसका। तो अभी का 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, बराबर, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, फिर क्या डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर वैल्यू को, न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है साइन एक्स है, तो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर वैल्यू, ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा माइनस साइन आएगा, गॉट इट। फिर आप इसके हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या वैल्यू हो गया, इफ यू गो अहेड, अब क्या होगा न्यूमरेटर को हमें क्या लेना है कॉन्स्टेंट वैल्यू लेना, ठीक है, और डिनोमिनेटर वैल्यू को क्या करना है डिफरेंशिएट करना, तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होगा ये होगा 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, गॉट इट, अपॉन जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है डिनोमिनेटर वैल्यू, तो उसका फुल पूरा स्क्वायर। सो अब क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स विल रिमेन इन दैट वे, कोई इशू नहीं उस केस में, बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, करेक्ट, ये होगा माइनस, यहां पे साइन एक्स विल रिमेन साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स विल रिमेन साइन एक्स, यहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, करेक्ट, बट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, इफ यू रिमेंबर, सो डिनोमिनेटर वैल्यू वैसी रहेगी, क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। So, अब इस रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये कॉस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ में, तो ये क्या होगा कॉस एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स में मल्टीप्लाई विद कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस। अब अगर देखो ना ये साइन एक्स माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, चलो ठीक है मैं मान लेता हूं कि जीरो के साथ में तो जीरो हो गया, फिर क्या माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा ये 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वैसे इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये जो जीरो है चलो ठीक है फिर भी लिख देता हूं मैं एक बार फिर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट्स व्हाट कॉस एक्स
प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन इन ब्रैकेट व्हाट आर वी गेटिंग वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेक्ट. सो अब अगर इस टर्म को मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे व्हाट विल हैपन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा. सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है. ये पूरा टर्म हो गया आपका वन. तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास वन प्लस कॉस एक्स रेस टू टू हो गया. गॉट इट. तो अब तक हमने जो वैल्यूज ऑब्टेन किए वो क्या है उसको यहां पे लिख देते हैं. तो वी आर गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स एज वॉट. तो वो वैल्यू को फिर से लिख देते हैं. हमें क्या वैल्यू मिला है कॉस एक्स मिला है प्लस वन मिला है अपॉन क्या मिला हमें वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अगर आप देखो ना वन प्लस कॉस एक्स हो या कॉस एक्स प्लस वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना. ये दोनों वैल्यू सेम है एक हिसाब से देखा तो ये और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज इन्यूमिनेटर वन हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या होगा वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. तो देख लो ये सारी चीजें ना बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई करना है दैट इज इनफ. सो आपको यू इंटू वी रूल याद रखना है यू अपॉन वी रूल याद रखना है और चेन रूल याद रखना है. तो ये तीन रूल अगर आपको पता होगा तो आप ऑलमोस्ट सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे वेरी इजीली. दैट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट. सो अब तक जो हमने डिस्कस किया वो डिफरेंशिएशन था. यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीटली ओवर होता है. नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे फिर हम जो मोशन स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड इंटीग्रेशन का वो करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा स्टफ करेंगे प्लस मोशन स्ट्रेट लाइन में कुछ डेरिवेशन है जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है. हमने वो अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन पता नहीं था. तो वी विल डिराइव दोज डेरिवेशन ऑल्सो. आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड. Thank you very much.